मेरे बेडशीट के मैचिंग पिलो कवर्स नहीं मिल रहा है, इस वजह से मेरे मन को ना शांति है ना सुकून है। तो मैं फिर से लग पड़ी हूँ ढूंढने के लिए। बहुत सारे बैग्स में से भर भर के रखा है, क्योंकि वो टर्माइट ने हम लोगों का जो वार्डरोब है वो खा लिया था। एंड मैं उसी डर से दूसरे वार्डरोब में नहीं ला रही हूँ खरीद कर नया घर में, मतलब नया घर में नहीं, नया वार्डरोब घर में नहीं ला रही हूँ, पुराने ही घर है। एंड हबी ने तो कहा था कि ले आओ ले आओ ले आओ, पैसे भी भेजे थे, मैंने ही नहीं लाए, और क्योंकि मुझे डर है फिर से टर्माइट ना खा ले। तो इसलिए मैं बैग में भर 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 के अपने कपड़े वगैरह रखती हूँ। तो एनी वे बेडशीट तो नहीं, मेरे बेडशीट क्या बोल रही हूँ, मैं पिलो कवर्स तो नहीं मिल रहे मुझे, तो क्यों ना ब्लैंकेट ही थोड़ा समेट लिया जाए। तो इस वजह से मैं ब्लैंकेट समेटने में लगी हूँ, क्योंकि मैं एक काम को मतलब लॉन्ग टाइम कर मतलब ऐसे कंटिन्यू नहीं रख सकती, बीच में थोड़ा दूसरा काम करके ब्रेक लेने होते हैं मुझे पहले वाले काम से। पिलो कवर ढूंढते ढूंढते नहीं मिला, तो मैं जो है मेरा जो है दिमाग थक गया था, तो मैंने ब्लैंकेट जो है क्या कर लिया, समेट लिया। फिर अभी लग पड़ी हूँ जो मेसी कपड़े हैं घर के उसको समेटने में, क्योंकि मुझे एक काम वो है ना लॉन्ग टाइम तक करते रहना बोरिंग सा लगता है, मेरे दिमाग को थका देता है। तो बीच में मैं दूसरा काम करके उस काम से पहले वाले काम से ब्रेक ले लेती हूँ। तो हो गया मेरा कपड़े समेटना। तो अभी क्या करूँ मैं, क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो मैं पिलो कवर ढूंढते ढूंढते इतना हैरान हो गई कि वो जो येलो वाला दूसरे बेडशीट का जो पिलो कवर है वही मैंने इसमें कवर कर दिया है जो है पिलो वहाँ पे। एंड उसके बाद मैं क्या है कि लग पड़ी हूँ चाय पीने में, एंड मैं पहले चाय लेके आती हूँ, फिर पापा को देख कर आती हूँ, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं फिर से ढूंढने लगूँगी चाय पीते पीते अपना जो है पिलो कवर, शायद मिल जाए अभी इस बार। तो अभी इस बैग को खोलने के बाद भी नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, जो बाहर साड़ी रखी थी मैंने उस दिन जो पहनी थी, किसी एक कब पहनी थी पता नहीं, दी को दी थी शायद, फ़ोटो खिंचवाने के लिए दिखाई थी शायद, ये साड़ी पहन कर अब फ़ोटो खिंचवाए शायद, उस दिन मैंने निकाली थी, बाहर पड़ी थी एक ब्लैक साड़ी, तो उसको मैंने अभी समेट के बैग में भर लिया है। तो देखिए एक काम करते करते मतलब एक काम के चक्कर में कितना सारा काम कर लिया मैंने जो पेंडिंग पड़ा था, तो वही होता है। पर हमारे घर का हालत ना बहुत ही ख़राब है, देखिए वॉल में से पपरे निकल आ चुका है, एंड रूफ़ में से भी पपरे निकल के गिरता है हमेशा, चार पांच बार मुझे डस्टिंग करने होते हैं अपने रूम का। एंड फ्लोर हमेशा मतलब वो हो जाता है, भर जाता है सीमेंट का जो पाउडर है वो गिरने से। एंड और चीज़ एक है कि उस दिन मैंने ककबरक डे पे जो रिगनाई पहनी थी, रिगनाई रुको तो वो भी समेटना बाकी था, तो उसको भी मैंने समेट के बैग में भर लिया है। ही जा रहा है, कभी लो हो रहा है कभी हाई हो रहा है, ये एडिटिंग में हो रहा है ना कि मेरी माइक या फिर कुछ और चीज़ों में हो रहा है, मतलब एडिटिंग वाला जो ऐप है उसमें कुछ गड़बड़ी दिखा रहा है, तो इस वजह से मैंने अपडेट भी की थी, लेकिन वही सब कुछ 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 वीडियो पे हो रहा है। तो इस वाले मेरे जो वीडियो पे आप लोगों को मतलब सुनाई नहीं देने में या देखने में या मेरी एडिटिंग की वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रही है, तो सॉरी फॉर इस दिक्कत के लिए। एंड वही तो चल रहा है, वही पिलो कवर ढूंढना फिर से मिशन जारी है, अभी भी मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली हूँ। हाँ थोड़ा टाइम लगता है मेरे मिशन कंप्लीट होने में या करने में, लेकिन मैं कभी भी हार नहीं मानती, मतलब एंड तक जाकर ही मैं सांस आराम से लेती हूँ, चलो कि मेरा ये टारगेट तो पूरा हो चुका है, हो गया है, ऐसा है मेरा। तो जो चीज़ें या जो टारगेट मेरा कंप्लीट नहीं होते वो मैं ज़िंदगी भर करती जाती हूँ, मतलब करती जाऊँगी, ऐसा ही है मेरा जो है, मतलब वो एक आदत सी है ना, आपके खून में वो सारी चीज़ें हैं तो आप उसको बदल भी नहीं सकते, वैसा ही है मेरा। तो वही एंड जो चीज़ मतलब टारगेट तक पहुंच जाता है उस चीज़ में ना बाद में बोरिंग सा आने लगता है, लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं ब्लॉगिंग से बोर हो जाऊंगी एंड आप वीडियो बनाना बंद कर दूंगी एंड आप लोगों को एंटरटेन नहीं करूंगी, देन आप लोगों को मैं मतलब कि ऐसे धोखाधारी कर लूँगी आप लोगों के साथ वीडियो ना बना के ब्लॉगिंग छोड़ के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं मरते दम तक ब्लॉगिंग करने वाली हूँ, मुझे आप लोग इस उम्र से देखे हैं, लेकिन बुढ़ी तक भी आप लोगों को मुझे बुढ़ी हो जाऊँगी तब भी आप, तो मैं क्या बता रही थी, हाँ जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तब भी आप लोग मुझे देख पाओगे, बस सफ़ेद बाल नकली दांत लगाए हुए, कभी कभी अपने दांत नकली को उतार के भी ऐसे बिना दांत के बात करूंगी, तो वो बात भी आप लोगों को समझ में ना आएगा, अभी भी जैसे बात नहीं समझ में आते कुछ कुछ बात मेरी ना, आप लोग समझ नहीं पाते क्योंकि उलझ जाता है बातें मेरी, उलझा उलझा के बात करने लग जाती हूँ मैं कभी कभी, मुझे खुद मालूम नहीं चलता मैं क्या बताती हूँ। तो जब बुढ़ी हो जाऊँगी दांत नहीं रहेगी तब और भी बातें उलझेगी, तब और भी ज़्यादा परेशानी होगी। तो फाइनली मुझे जो बेडशीट्स का मैचिंग पिलो कवर क्या बोलते हैं पिलो कवर चाहिए थी,
वो मिल गया है। तो अभी मैं अपनी बेस्टी के साथ थोड़ा बात कर रही हूँ फ़ोन पे, तो उसके बाद मैं अभी आराम से बैठ के गाना वाना सुनूंगी, देन उसके बाद जाऊंगी किचन में। अभी आराम से चाय पीऊंगी, गाना सुनूंगी, और देखिए मेरे बेडशीट के साथ जो है मैचिंग पिलो कवर कितना अच्छा लग रहा है। अभी जाकर मेरे बेड सुंदर दिखने लग गया है, क्योंकि बेडशीट एंड पिलो कवर हमेशा मैचिंग वाला ही चाहिए होता है, एंड उसी से खूबसूरती आती है बेड में, एंड सोने में भी आराम आती है। तो मैं अभी स्नैक्स खा खा के चाय पी रही हूँ, एंड साथ ही मैं गाना भी सुन रही हूँ, और कुछ जो वीडियो एडिट करनी है वो भी करने के लिए वीडियो वगैरह मैं चेक कर रही हूँ, फोटोज़ वगैरह चेक कर रही हूँ। एंड मेरे हुनर देखिए, एक पिलो कवर ढूंढने की वीडियो को मैंने कितना एक लंबा सा ब्लॉग बना लिया। ये देखिए मेरे स्नैक्स का डब्बा, बाय, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद।